वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आ जाओ जल्दी से, आपका क्लास शुरू हो चुका है। एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर की मैथ। वैसे तो आपने दसवां भाग बहुत पहले पढ़ लिया था कल परसों में, लेकिन उसमें और भी सवाल करवाने थे और ग्यारहवां भाग उसके पहले पढ़ लिया था, तो दसवां भाग में बचे हुए सवाल हम लोग करवाएंगे। इसको आप 10A समझ सकते हो, दसवां का ए पार्ट। ठीक है, चलिए। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न छूटे, मजबूत इतना इरादा करो। जी हाँ, मजबूत इरादे के साथ कुछ भी करते हो ना, अच्छा काम करोगे तब भी, बुरा काम करोगे तब भी सफलता मिलेगी, लेकिन अच्छा काम करना। देखिए, बोर्ड मास रूल पर आधारित ये सवाल बहुत ही इठला रहा है आपस में, क्योंकि इसमें सही बटे में भी भिन्न दी गई है और ढेर सारे कोष्ठक भी लगाए गए हैं, बहुत कुछ है। कुछ लोगों को देख करके बहुत डर लगता है, लेकिन यकीन मानिए बहुत आसान है। देखिए कैसे, आपने पढ़ा था बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले ब्रेकट हल होता है, ब्रेकट के बाद ऑफ वाला पार्ट, फिर डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। अंडरस्टैंड? बट इसमें क्या है कि ब्रेकट में भी चार प्रकार ब्रेकट होता है ना, तो चार प्रकार में क्या होता है साथियों, इसमें सबसे पहले सबसे छोटा कोष्ठक होता है, मझला वाला, ओ सॉरी रेखा कोष्ठक, फिर छोटा करते हैं, फिर मझला, फिर बड़ा कोष्ठक। इस रूल से हल करते हैं, इसमें रेखा कोष्ठक तो है नहीं, ये तीनों हैं बाकी, तो यहाँ से चलेंगे। देखो ये बड़ा कोष्ठक है, ये मझला है, ये छोटा है, ये छोटा है, मतलब ये बंद है। पहले हम यहीं हल करेंगे, इसके पहले जो भी है इसको ऐसे लिख लो, 7 सही 1/2, माइनस था तो माइनस, 5 सही 1/2 माइनस, ये 4 सही 1/2 माइनस, ये हो जाएगा 3 सही 1/2 माइनस। अब ध्यान देना, मैंने यहाँ तक सब लिख लिया, अब इतना हल करना जो कोष्ठक के अंदर में है। साथियों अगर आप यहाँ गौर से देखो तो 5/2 माइनस 1/2 ना, नीचे हर हर बराबर है, बोलो हाँ बराबर है ना, बराबर है। आप इसको घटा सकते हो 5/2 और माइनस 1/2 का मतलब 5 - 1/2 कर सकते हो, घटाओगे 4/2 यानी कि 2 आएगा, फाइनल में कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब जरा गौर से देखना इसमें आगे क्या होने वाला है, लेकिन 2 मत लिखना, 4/2 लिखना, क्योंकि यहाँ से देखो भी समानता मिलेगी आपको। एक इसको फाइनल में हमने हल कर लिया, इतना कितना आया 4/2, ये कोष्ठक मैंने बंद कर दिया। मतलब समझने की कोशिश करना कैसे क्या हो रहा है, जो मैंने अंडरलाइन किया, मैंने इतना हल किया तो 4/2 आ गया, इस माइनस के बाद मैंने इसको लिख दिया। ठीक, एक एक स्टेप समझना, नोट करो जल्दी से। अगला लाइन में क्या करेंगे, अभी छोटा कोष्ठक पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि ये 2 बार लगा था, तो फिर वहाँ तक चलो, 7 सही 1/2 ये 5 सही 1/2 माइनस, ये 4 सही 1/2 माइनस। अब देखना इसको हल करना है हमें, इस कोष्ठक के अंदर वाला पार्ट, यानी कि 3 सही 1/2 माइनस 4/2 कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ देखना। 3 × 6 और 6 × 1 = 7, 7/2 माइनस ये 4/2। अगर आप गौर करो, इसको काट तो सकते हो लेकिन काटने के बाद लफड़ा हो जाएगा, यहाँ आसान लग रहा है क्योंकि देखो हर हर बराबर है, अंशांश घटा लो, कुछ ना करो, घटाओगे तो 3/2 आएगा, 7 से 4 घटाओगे 3 आएगा ना। इस तरह से आप इसको हल करके 3/2 लिख सकते हो। देखो बहुत ही आसान है, ये एकदम आसान सवाल है। अगला लाइन पढ़ना, 7 सही 1/2 यहाँ माइनस था, याद रखना ये, भूलना मत, और ये 5 सही 1/2 फिर माइनस था। अब साथियों आप गौर करो, इसको हल करना है जो अंदर में है, क्योंकि मझला कोष्ठक करेंगे ना। अब चलिए इसको भी निपटा देते हैं इधर साइड में ला करके, देखिए देखते रहिएगा, ये 4 सही 1/2 है माइनस 3/2 हल करना है। देखो 4 × 2 = 8, 1 9/2 क्या हो जाएगा, 9/2 माइनस 3/2 इक्वल, हर हर बराबर है ना, अंश अंश घट जाएगा, 9 से 3 घटाओगे 6/2 आएगा, काटना मत नहीं, 3 लिख दो, ऐसे लिखो 6/2, इसके बीच में क्या आया 6/2। यहाँ तो हमने मझला कोष्ठक एक बार फिर से लगा दिया एक्स्ट्रा, ये 7 सही 1/2 माइनस। अब ध्यान देना, कोष्ठक को ओपन करोगे, ये 5 सही 1/2 ऐसे रहने दो माइनस, ये 6/2 हो जाएगा।
अब अगर आप गौर करो तो केवल बड़ा ब्रेकट बचा है, बाकी सब हो चुके क्लियर, अपना अपना किनारे निकल चुके हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है इसको जल्दी से ले लें, तुरंत हो गया, इतना फंडा क्लियर है। आगे अब देखना क्या होता है, होगा वही जो मंजूरे खुदा होगा, है ना। चलिए अब हम यहाँ से हल करेंगे, ये 7 सही 1/2 माइनस, इसको करोगे 2 × 5 = 10 एक 11/2 है ना, 11/2 आएगा। फाइनल में मैं लिख देना चाहता हूँ 11/2 माइनस 6/2, ठीक। 7 sin 1/2, इसको सबट्रैक करोगे तो 5/2 आएगा, करके देख लेना अगर कोई झंझट लगेगा तो। इसको करोगे 7 × 2 = 14, 15/2 माइनस 5/2 इक्वल 10/2, काट दो 5 आएगा, कितना आ गया 5 आ गया, है ना आसान, कितना आसान है ना, एक बहुत आसान है, बस कोशिश करते रहो। देखिए करने में कितना बड़ा लग रहा था, ये इतना बड़ा सा अभी लगाते तो 2 लाइन और जाता ये, लेकिन बहुत आसान था ना। जल्दी से क्लास को लाइक करिए, तुरंत देर ना करिए, डीएलएड का सेकेंड सेमेस्टर पूरा कंप्लीट मैथ के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर अवश्य संपर्क करें। और हाँ, संपर्क करने के पहले अगर आपने अभी तक पीवीआर स्टडी इलाहाबाद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन नहीं किया तो तुरंत कर लो बाबू, जिससे अगली क्लास आपको मिल सके। देखिए साथियों, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, जरा गौर से देखना क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि बड़ा ब्रेकेट बंद है पहले, फिर मझला ब्रेकेट 2 × 18 − 3, फिर दोनों कोष्टक क्लोज हो चुके हैं छोटा और मझला, प्लस 5, फिर छोटे कोष्टक में 12 − 7, सभी कोष्टक क्लोज। खुद से करना, 10A क्लास अगर आपने देखा है और क्लास 10 देखा है तो आप इसको कर ले जाओगे, नहीं देखा तो कमेंट करके बताना। ये बड़ा मज़ेदार सवाल है, योगफल पूछा है, देखने में बड़ा हट्टा कट्टा लग रहा है लेकिन उतना है नहीं। ये एलसीएम निकालेंगे सभी हरों का, 10, 100 और 1000 का एलसीएम लेके देखना, 1000 आएगा, ठीक। जब 1000 यानी कि 1000 से एलसीएम में भाग करोगे, किससे, इसके हर से, मतलब भिन्न के हर से, तो 1000 का 1000 में भाग करोगे, 1 आएगा, 1 का 2 में कूड़ा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखना एलसीएम हमारा आया 1000, याद रखना 1000 में जब 100 से भाग करोगे कितना आएगा, 10 आएगा, करके देख लेना, 100 × 1000, जो 10 का 30 में गुणा करोगे, सॉरी 3 में 30 हो जाएगा, प्लस उसी 1000 में अगर भाग करोगे 10 से तो 100 आएगा, 100 का 4 में गुणा करोगे 400। फाइनल करना चाहोगे तो 432 हो जाएगा बटा 1000। अरे भाई 400 में 30 जोड़ दो, 30 हो गया, 2 = 32 हो गया, काट दो इसको फटाफट, 4 से 4 = 4, 4 × 0 = 4, 8 = 32, ये लो। अभी फिर कटेगा ये 2 से 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, इस तरह से आपका 54/125 आ गया। अगर देखो कहीं कटने पिटने वाला हो तो बोलो जल्दी से, कटेगा ना कटेगा, हमें तो नहीं लगता कहीं कटेगा ये, अगर कटेगा तो बता देना फिर कोशिश करके, ठीक ना। पीवीआर स्टडी को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लें अगर आप यूट्यूब पर हैं तो, फेसबुक पर हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलना, जिससे अगली क्लास भी मिल सके। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, 99 का होल स्क्वायर, इसका मान निकालना है। देखो कैसे होंगे, कई तरीके हो सकते हैं इसके, एक बात बताना हमें, 99 को आप क्या लिख सकते हो, 100 − 1 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है ना। जैसे हम लोग 10 − 1 लिख सकते हैं, किसको, 9 को, घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, वैसे इसको भी हम इतना लिख सकते हैं, क्यों लिखेंगे, क्योंकि अपना काम बनाने के लिए है ना, तो इसको हम 100 − 1 कर देंगे इसका होल स्क्वायर। अब आपको नज़र आ रहा होगा इसमें a − b का होल स्क्वायर, पढ़ाना आपने बचपन में, तो लगा दो वही, क्या होता फार्मूला, a − b का होल स्क्वायर इक्वल a² और प्लस b² − 2ab, ठीक, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, a² मतलब 100 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2, a का मतलब 100, b का मतलब 1, हल कर लो, ये हो जाएगा कितना भाई, 20 लगा है, दो बार मल्टीपल करोगे 40 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस ये हो गया 200,
इतना बात पक्की ना, नोट कर लो तुरंत। उसके बाद क्या करेंगे जरा ध्यान से देखना, इसको जोड़ना और घटाना है। ये दोनों प्लस प्लस है या माइनस है? बोर्ड मास रूल कहता है पहले जोड़ना फिर घटाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जोड़ दो इसको, नीचे ऊपर लिख के जोड़ लो। चाहे चार जीरो है ना, तीन जीरो हो जाएगा, एक वन हो जाएगा। माइनस 200 यानी कि 200, 10,001 रुपया है। 10,001 रुपया से 200 घटाओगे, 9,801 रुपया हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 9,801 रुपया। घटा करके देख लो अगर कोई लफड़ा लग रहा है आपको तो। चलिए ये लो देख लो, 200 घटाना है। ये एक आ गया जीरो, 10 में से 2 गया 8, 9, ठीक है नोट कर लो, हो गया। चलिए बहुत अच्छे हैं आप लोग, वीडियो को थोड़ा पीछे करके लिख लेना जो लोग नहीं लिख पाए, ठीक ना। जैसे क्वेश्चन पूरा हो वीडियो को स्क्रीन पर टच करें और तुरंत नोट कर लें, या फिर आप वीडियो को बाद में भी एक बार देख लें, बाद में कर सकते हैं। इस तरह से 101 का होल स्क्वायर खुद से करना, 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर तोड़ करके, ठीक ना। एक और भी है 102 का होल स्क्वायर, इसको भी खुद से करोगे 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर करके, ठीक। ये भी बात पक्की ना। अगला देखना आगे क्या कहता है। आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वो आप सभी के लिए है। 1/2, 1/2 का पावर क्या है? 3 है, और इनटू 2 का पावर 3। देखना, मिटा दे पहले ऊपर तब मज़ा आएगा। 1/2 का पावर 3 लिखने दो पहले, तब मज़ा आता है। क्या है क्वेश्चन नंबर लिख लो यार, 8, 9 कुछ भी। 1/2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 3/4 इसका स्क्वायर का मान बताओ। देखिए बड़ा अजीब सा लग रहा है इसको देख के, है ना, बड़ा अजीब सा लग रहा है ना साथियों। तो कोशिश करना क्या होता है, अभी देखना आपके सामने ही होगा जो भी होगा। देखिए बहुत आसान है ये। 1/2 का पावर 3 का मतलब जानते हो क्या होता है? इसे आप लिख सकते हो 1/3 और 2/3 इंटू 2/3 इंटू 3/4/2। इतना बात क्लियर है ना? बाहर लगा है कोष्ठक तो आप दोनों अलग अलग कर सकते हो। अलग अलग कर दोगे तो 1 का कितना भी पावर करो 1 ही रहेगा, और ये 2/3 इंटू 3/4/2 एक समान है, दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा। 3/4 होल स्क्वायर 9/16 आएगा। बात पक्की ना, नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आएगा कमेंट करके पूछना, नंबर दिया गया है। अगर क्लास को ज्वाइन करना, डेली देखना है, वास्तव में सीखना है, घर बैठे पढ़ना है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। बस थोड़ा सा नाम मात्र का चार्ज पे करना होगा, नहीं करना तो यूट्यूब पर देखते रहिए। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पे करना, एक भी कौड़ी नहीं करना है। और हाँ एक बात और सुनना, हमारे और भी चैनल हैं, PVR स्टडी ब्लॉग, PVR स्टडी ग्रुप, मैथ आसान है और इजी डेरिवेशन, नीचे से शुरू करना, सभी को सब्सक्राइब करना बारी बारी से, जिससे आपको पूरा बेनिफिट मिल सके, सभी क्लास मिल सके, क्योंकि कुछ क्लास इस पे हैं, कुछ उस पे हैं, कुछ उस पे हैं, तो अगर सबसे जुड़े रहोगे तो सब मिलेगा, ठीक। ये हो गया भाइयों। देखिए आगे तो हम लोग चलेंगे, लेकिन आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए ना, जो लोग वो जल्दी से कर दें, देर ना करें, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सब आएगा। चलिए नोट करिए, हम कमेंट नहीं बोल रहे ना आज किसी का, इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे आज बड़ी बकैती नहीं हो रही, काहे। क्वेश्चन नंबर लिख लो कुछ भी, 12 वाला नंबर बता देते हैं आपको। 5/8 प्लस 1/2 इंटू 5/8 माइनस 8/16 को क्या करना है? सरल करें, देखना क्या करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए साथियों, सबसे पहले छोटा कोष्ठक हल करेंगे हम लोग। तो 5/8 माइनस ये प्लस 1/2 इंटू, पहले आप एलसीएम लोगे 8 और 16 का,
एलसीएम लेके देखो 16 आएगा, एलसीएम ले लो तो 16 आएगा, 8 से भाग करोगे 16 में कितना आएगा, 2 आएगा, 2 का 5 में गुणा करोगे 10 आएगा। ठीक, बिन हल करना आता है ना, नहीं आता तो कमेंट करके बताना, जीरो लेवल से सिखाएंगे। फिर एलसीएम में भाग करो 16 से, 16 का 16 में भाग 1 आएगा, 8 में गुणा करोगे 8 हो जाएगा। ठीक, इतना बात पक्की। यार ये 8 था या 5 था, क्या था ये ऊपर वाला, दोनों 5 5 था ना। चलो कुछ भी लिख लो फिलहाल, उसी हिसाब से आंसर भी आएगा। ठीक, चलिए हमने 8 लिखा तो 8 ही लिख के लगा देते हैं। देखो मतलब समझना, यहाँ पर लगाने का तरीका समझना कि किस तरह के सवाल को कैसे किया जाता है। ये नहीं ज़रूरी कि आपकी परीक्षा में यहाँ 8 होगा यहाँ 16 होगा, हो सकता है यहाँ पर 4 हो जाए यहाँ 20 हो जाए, यहाँ पर 8 है तो 5 हो जाए वहाँ 25 हो जाए, तो क्या करोगे, एलसीएम लेना नीचे बस, जैसे मैंने किया। एलसीएम नहीं आता तो बताना, 16 और 8 का एलसीएम 16 होता है। ठीक, चलिए तो साथियों ये आपका हो जाएगा 5/2 + 1/2 × घटाओगे 2/16 आएगा, कितना आएगा 2/16। चलिए अब पहले गुणा करेंगे, 5/2 ये 2 से 2 कट जाएगा +1/16। इतना बात पक्की ना, कोई टेंशन तो नहीं ना, बिल्कुल टेंशन नहीं होना चाहिए। 16 और 2 का एलसीएम निकाल लो, 16 आएगा, करके देख लो, बड़ी संख्या है। मतलब कहने का मतलब एलसीएम वो संख्या होती है साथियों, वो छोटी से छोटी संख्या जो 16 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए, तो कोई सॉरी 2 से, तो 16 के अलावा कोई और ऐसी संख्या नहीं है, मतलब छोटी से छोटी कि जो दोनों से कटे, तो दोनों से कटेगा तो 16 ही होगा। इस तरह से 16 एलसीएम हो गया। जब इस एलसीएम में इस 2 से भाग करोगे 8 आएगा, 8 का 5 में गुणा करोगे 40 हो जाएगा, माइनस अभी 16 से 16 में भाग 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा 1 हो जाएगा, 39/16 आया। नोट कर लीजिए, जिनको जिनको लिखना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब समझने की कोशिश करना बस। और हाँ, जो भी वीडियोज को डाउनलोड वगैरह करते हैं वो कृपया करके सुधर जाएँ, डाउनलोड ना करें, ऑनलाइन देखें, कोई अगर दिक्कत है तो बताएं, नहीं तो हो सकता फिर आपको क्लास मिलना बंद हो जाए तो फिर आप परेशान होगे। ठीक ना, बात समझ रहे हो ना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे हैं आप लोग, वैसे बहुत ही अच्छे हैं, अति सुंदर हैं। अगला क्लास देखना, अगला क्लास का मतलब अगला सवाल, एक सवाल और ही बड़ा इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टेड है। ये कह रहा 4/1 + 2/3, क्वेश्चन नंबर कुछ भी लिख लो, 4/1 + 2/3 इंटू 6+3/2 इंटू 0.5। मतलब समझना यहाँ क्या होने वाला है, बहुत आसान है। करा इसको सरल कीजिए, हल कीजिए, कैसे करेंगे, पहले तो आपको ये सोचना कि आसान है, आसान है, सोच लोगे ना तो आसान हो जाएगा। अगर सोचोगे हाय अल्लाह भगवान राम का करें इसमें कोई उपाय बताइए, तो फिर नहीं होने वाला है। देखिए पहले ब्रेकेट हल करते हैं, आप लोग पढ़े हो तो पहले ब्रेकेट का चलो फंडा एक एक क्लियर करते हैं। इसको कर लो पहले, 4 और इसका क्या, 3 और 1 कैल्शियम 3 होगा ना, 3 और 1 कैल्शियम 3 होगा। जब 1 से भाग करोगे 3 में तो 1 × 3 = 3 आएगा, 4 में गुणा करोगे 12 आएगा, प्लस ये 2 ही रहेगा, क्योंकि 3 से 3 में भाग करोगे 1 आएगा, 1 का 2 में गुणा करोगे 2 आएगा। वही हाल इधर भी करोगे, 2 और 1 कैल्शियम 2 होगा, जब 1 से भाग करोगे 2 आएगा, 2 का 6 में गुणा होगा 12 आएगा, प्लस ये 3 रहेगा। इस तरह से आपको ये मिल जाएगा 14/3 इंटू ये हो जाएगा 15/2 × 0.5। साथियों इसको काट दोगे 5 आ जाएगा, काट दोगे 7 आएगा। अब आप गौर कर लो कि 7 × 5 = 35 हो गया, 0.5 हो गया, फंडा क्लियर है, आंसर आपके सामने आ चुका है, देख लो गौर से। बट मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, ये क्या आएगा देख लो तो ज़रा, कुछ छूट तो नहीं रहना इसमें, हमें तो नहीं लग रहा कुछ छूट रहा है। हाँ 0.5 था ना ये, ठीक है गुणा कर लो, 5 × 25 हाँसी लाया 2, 5 × 3 = 15, 2 = 17, 170 आया, एक अंक पर दशमलव लगा दो, कितना आ गया
17.5 मतलब 17.5 आ गया ना। 17.5 का मतलब जानते हो कितना आया? अरे जी इसको आप 35/2 भी लिख सकते हो, ठीक ना, 35/2 एक आंसर तो ये हो गया। कोई टेंशन नहीं, इसे लिख दोगे तो कोई गलत नहीं करने वाला, ठीक है। लेकिन हो सकता है अगर आपको भिन्न के रूप में पूछा जाए तो आप दूसरा तरीका लगाएंगे, वो क्या है देखना इधर। वो तरीका ये है कि पहले आप, ये तो मैंने एक तरीका बता दिया, दूसरा तरीका यहाँ से समझना, यहाँ से बदल सकता है। 0.535 इसको आप कर सकते हो 5/10, 1 डिजिट पर पॉइंट था नीचे 10 कर दिया, काट दो, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 35 का 1 में गुणा कर लो, 1 हो गया, 5 नीचे 2, ये भी एक आंसर हो गया। लेकिन इसको अभी और आगे हल करोगे तो 17 सही कितना हो जाएगा, 1/2, 17 सही 1/2, ये फाइनल आंसर हो गया। वैसे ज़्यादा यही लिखा जाता है, बात समझ में आई। जल्दी से वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर अभी तक आपने इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लेना, सबको स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में एक एक को ढूंढ ढूंढ के सब्सक्राइब करना साथियों, जिससे कि आप अप टू डेट रह सकें और पढ़ सकें आसानी से। तो साथियों आज का ये क्लास यहीं पर एंड होने वाला है। आप लोगों का कोई भी सवाल जवाब है तो आप उसे कर सकते हैं कमेंट करके, या फिर हम आपको नंबर दे दे रहे हैं इस पर, आप बुझा सकते हैं, अपनी बातों को पका सकते हैं सर को बात करके, ठीक है। और हाँ, अगर कोई इंक्वायरी करना है, वही बात मतलब मैंने आपको बता दिया, तो आप इन नंबरों पे फ़ोन कॉल कर सकते हैं, सुबह 10 से लेकर के शाम 4 बजे के बीच में, ठीक है। रात में 12, 1 बजे, 2 बजे ना करना, चूँकि अब 24 घंटे का काम बंद कर दिया गया है, सिर्फ ऑफिशियल टाइम में आप कॉल कर सकते हो 10 से 4 के बीच में। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो 24 घंटे 7 दिन कभी भी आपको रिप्लाई मिलेगा। और हाँ याद रखना, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल या फ़ोन कॉल, वॉइस कॉल बिल्कुल ना करना। ये व्हाट्सएप का नंबर है, फ़ोनपे का भी नंबर है, गूगल पे का भी नंबर है। अगर आपको कंप्लीट मैच चाहिए सेकेंड सेमेस्टर का, तो आपको मात्र 599 रुपये सिर्फ एक बार जमा करना होगा, सिर्फ एक बार करना होगा, फिर आपको सारा कोर्स आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा, उसे आप कहीं से कभी भी देख सकते हैं। इसके अलावा लाइव सेशन भी आपको मिलेगा, जिसमें आपका नाम डायरेक्ट बुलाया जाएगा, और इस क्लास की जो फीलिंग होगी ना, वो आपको ऑफलाइन क्लास में सामने बैठने वाली क्लास से ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि आपका हर एक कमेंट पढ़ा जाता है। तो चलते हैं फिर, आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। 8 बजे से कक्षा 10 की NCERT मैथ लाइव देखना ना भूलना, सुबह 8 बजे से। नोटिफिकेशन यूट्यूब से मिले या ना मिले, आपको सर्च कर लेना है, जैसे 8 बजे का PVR Study LIVE, जैसे सर्च करोगे तुरंत आपको लाइव दिख जाएगा और आप देख सकते हो। 10th का मैथ लगभग सभी के लिए फ्री होता है, कुछ क्लासें उसमें से गायब हो जाती हैं, उसके लिए आपको ज्वाइन करना होता है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद एक बार फिर से साथियों। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, खुशियों का चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।